बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन लाई हूँ कॉफ़ी के हवाले से। अगर पलके झड़ रही हैं आपकी, बच्चों में, बड़ों में, कोई भी आपकी एज है, जिस एज में भी अगर आप देख रहे हैं आपकी पलके झड़ रही हैं या झड़ नहीं रही हैं, मगर कम है, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ कम है, बहुत हल्की हल्की हैं, घनी नहीं है। अगर आप अपनी पलकों को घनी कर जाते हैं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी दवाई बताऊंगी जिससे आपकी पलकें जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी, झड़ना कम हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी। इनमें लंबाई में इजाफा करती है ये मेडिसिन। उस मेडिसिन का नाम है एसीरिनम, एसीरिनम क्यूमेन। ये हमें लगाने के लिए यूज़ करते हैं। एक हिस्सा आपने ले लिया, जैसे आपने एक चमचा लिया एसीरिनम मदर टिंचर का क्यूपोटेंसी में, तो आप नौ चम्मच लेंगे ग्लिसरीन के, ग्लिसरीन में लीजिए इसको और अच्छी तरीके से ऐसे करके मिला लीजिए, हिला लीजिए। और इसको आपको या तो कॉटन बुड से आप अपनी पलकों के ऊपर इस तरीके से ऊपर लगा लें, रात को सोते वक्त लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि पूरी रात आपके लिए रहेगी। ये कॉटन बुड से लगा सकते हैं आप, मस्कारे का पुराना ब्रश होता है वो यूज़ कर सकते हैं ये लगाने के लिए। लगा के आप सो जाइए, सुबह धो लीजिए आप। और एक दवाई मैं आपको खाने के लिए भी बता रही हूँ, अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं या फिर आप उनमें इजाफा करना चाहते हैं, घना, लंबा और मजबूत करना चाहते हैं पलकों को, तो आपको मैं एक और मेडिसिन बता रही हूँ, फास्फोरस 200 में, हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी है। फास्फोरस 200 हर हफ्ते लेनी है आपको, 3-4 महीने तक आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। और साथ में आपको लेनी है नेट्रामियोर 30% में, दो मेडिसिन हो गई है, रोज़ाना लेनी है 30% की मेडिसिन आपको, सुबह दोपहर में और रात में लेनी है, 3 टाइम लेनी है ये मेडिसिन नेट्रामियोर 30। पानी में डालिए आधा कप पानी में नेट्रामियोर को, 5 ड्रॉप डालिए और दिन में 3 बार ले लीजिए, तो आपकी पलकें इंशाल्लाह घनी हो जाएंगी, लंबी और मजबूत हो जाएंगी और झड़ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और साथ में आपको लगानी भी है ये ग्लिसरीन के साथ एसीरिनम मेडिसिन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। आइंदा फिर हम मिलते हैं किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ। जाना चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।